यूक्रेन से, वहां सेवेरोडोनेस्क में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने आ गई है और वहां लड़ाई हो रही है। यहां से जानकारी आ रही है कि कुछ तस्वीरें भी पहुंची हैं, सेना के जवान दुश्मन सैनिकों पर फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं और इस दौरान ये सैनिक अपने घायल साथियों को भी बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दी है। सेवेरोडोनेस्क शहर में रूस लगातार यूक्रेन पर जबरदस्त हमले करने में जुटा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त उसी मौजूदा जमीन की है जहां पर आमने सामने दोनों ही मुल्कों के जो जवान हैं वो आ गए हैं और जानकारी ये कि अब आमने सामने से लड़ाई हो रही है और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त दुश्मन सैनिकों पर फायरिंग करते हुए ये जवान दिख रहे हैं और ये सैनिक अपने घायल साथियों को भी बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क की ये तस्वीरें हैं जहां पर रूस लगातार यूक्रेन पर जबरदस्त हमले करने में लगा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी रूस को जबरदस्त टक्कर देते दिख रहे हैं। तो गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आपको साफ सुनाई दे सकती है इन तस्वीरों में। दरअसल ये तस्वीरें सेवेरोडोनेस्क से आई हैं जहां पर अब रूस लगातार टारगेट कर रहा है, वहां पर बमबाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है और इस वक्त ये यूक्रेन की तस्वीरें सेवेरोडोनेस्क से हैं। तो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिका की मदद अब रूस पर भारी पड़ती दिख रही है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन भेजी गई तोपें रूस की सेना के लिए काल साबित हो रही हैं और इन तोपों की वजह से यूक्रेन की सेना का गिरा हुआ मनोबल एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि इन तोपों के युद्ध के मैदान में तैनात होने से पुतिन के माथे पर शिकन बढ़ गया है। ये यूक्रेन से आया वो एक्सक्लूसिव वीडियो है ये वो तस्वीरें हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका भी अब खुल्लम खुल्ला युद्ध में उतर आया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर क्या पुतिन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटेगा, सबसे बड़ा डर यही सता रहा है। इन तस्वीरों को रिलीज करके ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि अमेरिका की फौज नहीं लेकिन उनकी तोप इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर धरने लगी है। पहली बार ऐसी तस्वीरें आई हैं जब अमेरिका के हैवीवेट हथियार रूस के खिलाफ बमबारी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुतिन की फौज पर अमेरिका की तोप धुआंधार बमबारी कर रही है। ये है अमेरिका की बहुत ही पावरफुल M777 तोप। ऐसे ही हथियारों का इंतजार ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहे थे और अब यही तोप डॉनबास में रूस के खिलाफ फ्रंट पर तैनात कर दी गई है। На рахунок тактики нічого особливого сказати не можу, просто та як гармата, типу це більш маневреніше. Ми приїжджаємо, набагато швидше відпрацьовуємо і їдемо на інше місце. З іншого місця знову відпрацьовуємо і їдемо далі. І через що ми за цілий день можемо поміняти позицію разів 12, 20, а то і більше би. От, противник, він просто не може зрозуміти, як ми швидко так займаємо позицію в досить незручних місцях для нього би і відпрацьовуємо по ньому. कुछ दिन पहले ही विमान में M777 तोप लोड करते हुए तस्वीरें आई थी और तभी ये बात पुख्ता हो गई थी कि बाइडेन की तोप यूक्रेन पहुंचने वाली है और अब तोप का असर देखिए। डॉनबास में एक महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन की जो फौज बैकफुट पर थी वो अचानक फ्रंट फुट पर खेल रही है और M777 इसकी सबसे नई वजह है। M777
30 किलोमीटर दूर तक 155 मिलीमीटर का गोला दाग सकती है। फायरिंग रेट भी बेहतरीन है, एक मिनट के अंदर ये चार गोले दाग सकती है। वजन 4000 किलो है, इसलिए इसे एक हेलीकॉप्टर से भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मशहूर इस तोप ने यूक्रेन की फौज का गिरा हुआ हौसला एकाएक बुलंदी पर पहुंचा दिया है। Вагомі ці гаубиць, вона просто капітально себе показує. По причині того, що це є нове озброєння натовське, це піднімає дух нашим бійцям, тому що ми бачимо, що ми можемо працювати більше, краще би. І так само деморалізує би, противника, тому що вони бачать, як часто прилітають снаряди, як точно прилітають снаряди і що після цього буває би. Сама різниця між озброєнням, яке в нас було до того радянського зразка, і новим би, ця гармата набагато точніша. Скорострільніша би, і сама у роботі вона набагато простіша, тому що в неї набагато вона нижче стоїть до землі, легше її маскувати. Донбас में लड़ते हुए अब तक यूक्रेन की फौज लंबी दूरी की आर्टिलरी को लेकर जूझ रही थी। ज़ेलेंस्की बार-बार गुहार कर रहे थे कि उनको हथियार दिए जाएं जो रूस की पोजीशन पर वार कर सके। और अब उनको M777 मिल चुकी है। जाहिर है इस वक्त ज़ेलेंस्की की खुशी का ठिकाना नहीं है। डॉनबास में M777 की फील्ड रिपोर्ट मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने एक सेल्फी वीडियो वाली स्टेटमेंट जारी की है। Продовжуються наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил, але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки, вони тримаються. Люди такі у нас тримають. Тримається наша армія, я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну, воює міцно. Слава Україні! M777 बहुत ही सटीक है, इसकी फायरिंग स्पीड बाकी तोपों के मुकाबले गजब की है। ये हल्की भी है और इस्तेमाल करने में तो ये बहुत ही आसान बताई जाती है। भारतीय सेना के पास भी यही तोप है जो तिब्बत बॉर्डर पर कई जगह तैनात की जा चुकी है। Постріл, вона набагато складніше її зафіксувати, бо тому що вона низько до землі іде, і за рахунок дульного тормозу, вона дуже розсіює звук. І через що противнику звукометрична розвідка набагато складніше її засікти би. От. Плюс дуже велика кількість снарядів нам даємо, через що ми можемо досить дуже багато працювати би, тобто відпрацьовувати набагато більшу кількість цілей би. Ну і само собою дальність стрільби би, вона теж дуже важливий фактор би цього всього би. M777 акела бада хатіяр нахі хе. Ейсе бахат се систем аб Юкрейн ко мілне ча рахе хе. नेटो देशों से यूक्रेन को बहुत से नए हथियार दिए जाने का वादा किया गया है। कई हथियार मिल चुके हैं, कई पाइपलाइन में हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स के आधार पर ज़ेलेंस्की को सिर्फ अमेरिका से जो हथियार ऑफर हुए हैं उनमें अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की नई खेप मिलने वाली है। अमेरिका से ही और स्टिंगर एयर डिफेंस मिसाइल मिलने वाली है। अमेरिका से M777 तोप मिल रही है। अमेरिका से ही हाई मार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर मिलने जा रहा है। यूक्रेन को मिलने वाले खतरनाक हथियारों की लिस्ट अभी और लंबी होने जा रही है और इसे लेकर रूस ने भी अमेरिका को आगाह कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की मदद से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इनका आखिरकार इस्तेमाल रूस की फौज को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। रूस के गुस्से की वजह नेटो की एक मीटिंग भी है जिसमें इस सैन्य संगठन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ रूस है और ज़ेलेंस्की को ये भरोसा बार बार दिलाया जा रहा है कि वो जंग को तेज करें, उनको हथियारों की खेप मिलती रहेगी। बेल्जियम में हुई इस मीटिंग में M777 तोप पर भी चर्चा हुई। नेटो भी देख रहा है कि अगर ये तोप यूक्रेन को बड़ी तादाद में दी जाए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी तक यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद
जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका ही करते आ रहे हैं, लेकिन अब कनाडा M777 तोप दिए जाने का वादा कर रहा है। ये चार देश यूक्रेन के लिए छोटे और बड़े हथियारों के भरोसेमंद सप्लायर बन चुके हैं। We are here today to discuss the situation in Ukraine and the principles of defense and deterrence upon which NATO is founded. We will ensure that we provide military aid to Ukraine in the short and the long term. Of course, Canada, I announced yesterday that we will provide barrels for the M777 in addition to the 155 artillery that I announced a few weeks ago. लेकिन जैसा कि कहा, नेटो देशों का बढ़ता हुआ दखल पुतिन को बर्दाश्त नहीं होगा और वो रिएक्ट जरूर करेंगे और करने भी लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी रूस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि इसका असर कागजी भी नहीं होगा, लेकिन जमीन पर रूस ये पूरा रिकॉर्ड देखने लगा है कि यूक्रेन को कौन कितनी मदद कर रहा है। On June 1st, the U.S. Under Secretary of Defense announced that the U.S. has transferred to Ukraine 108 M777 howitzers and 220,155 millimeter artillery rounds. These long-range armaments enabled the Ukrainian army to strike beyond the line of contact into residential areas with no military presence. And now this Western artillery is killing innocent people. I would like to say to the Western countries supplying weaponry to Ukraine, the blood of civilians is on your hands. The tragedy in Donetsk confirms once again that you are fighting a proxy war with Russia with the hands of Ukrainians. रूस के तेवर देखकर ही समझ लीजिए कि पुतिन अब यूक्रेन को बख्शेंगे नहीं, और यूक्रेन की फौज की हर वो यूनिट पहले टारगेट पर रहेगी जो अमेरिका या नेटो से सप्लाई किए गए हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए अमेरिका से मिली M777 तोप को भी रूस ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखिए रूस की नेवी से कैसे मिसाइल लॉन्च की जा रही है। ये ऐसी मिसाइल है जो अपने टारगेट के कुछ मीटर के दायरे में जाकर गिरती है। ये रूस का नेवल शिप है जिससे लगातार एक के बाद एक चार कैलिब्र क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई। इनका टारगेट था मिकोलाइव में मौजूद M77 की एक बैटरी जिसने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 20 высокоточными ракетами большой дальности калибр на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены 10 155-миллиметровых гаубиц M777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней. अब सवाल है कि रूस ने इतनी खतरनाक मिसाइल से क्या सिर्फ अमेरिका से मिली तोप को ही निशाना बनाया? तो जवाब है नहीं। रूस का दावा है कि उसने अब तक कैलिब्र मिसाइलों से उस जगह भी अटैक किया है जहां यूक्रेन के कमांडर भी मौजूद थे। फ्रांस की मीडिया रूस का हवाला देकर बता रही है कि ऐसे हमलों में अब तक यूक्रेन के 50 जनरल मारे जा चुके हैं। ऐसी ही रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में और जगह भी छप रही है जो ज़ेलेंस्की का मूड खराब कर सकती है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि यूक्रेन के 50 से ज्यादा जनरल और स्टाफ रूस की क्रूज मिसाइल का निशाना बने हैं। За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12:30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров вооруженных сил Украины, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. यूक्रेन में चल रहे रूस के ऑपरेशन में अब तक रशियन फोर्सेस की तरफ से ऐसे दावे कम किए गए हैं। इसकी पुष्टि निष्पक्ष स्रोत से नहीं हुई है, लेकिन दावे तो शुरू से ज़ेलेंस्की भी बड़े बड़े कर रहे हैं और उनके आंकड़े तो हजारों में रहते हैं। कभी रूस के 30,000 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जाता है तो कभी जून में ही दुश्मन की 40,000 तक कब्र खोदने की बात की जाती है। यूक्रेन को डॉनबास में रौंदने के लिए रूस की फौज भी लगातार आगे बढ़ रही है, और अब सेवेरोडोनेत्स्क के पास एक और शहर क्रामतोर्स्क रूस के टारगेट पर है। ये रिपोर्ट ब्रिटेन के अखबार गार्जियन अखबार में छपी है। यहाँ के मेयर ने चेतावनी जारी कर दी है कि रूस को नहीं रोका तो इस शहर पर भी पुतिन की फौज का कब्जा हो जाएगा। क्रामतोर्स्क डॉनबास का ही एक शहर है
और ये सेवेरोदोनेस्क से 100 किलोमीटर पश्चिम में है। अब यहाँ भी रूस के हमले तेज होने लगे हैं, ज्यादा अटैक आर्टिलरी से किए जा रहे हैं। क्रामातोर्स्क में यूक्रेन की पोजीशन को उखाड़ने के लिए रूस की फौज भी M777 जितनी ताकतवर तोप की मदद ले रही है। आप रूस की इस तोप के गोले और उनसे होने वाले धमाके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके टारगेट का क्या हाल होता है। ये रूस की 2S5 तोप है जो 152 मिलीमीटर के गोले दागती है। रूस का दावा है कि इसी तोप के हमले से यूक्रेन को मिली M777 तोप की पोजीशन पर भी अटैक किया गया है और उसकी एक यूनिट भी तबाह की जा चुकी है। На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина та Тошківка. Та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Зеленський को भी इसका डर सबसे ज्यादा है, लेकिन अपनी फौज के हौसले बुलंद रखने के लिए उनके पास अभी फिलहाल सेल्फी वाले वीडियो के अलावा कुछ और खास नहीं है, क्योंकि अमेरिका से मिले हथियारों पर रूस ने अपना कहर बरसाना भी जरूरी कर दिया है और इससे यूक्रेन को पहले से बड़ा नुकसान होने लगा है।